एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को बिहार एलआरसी अमीन क्लर्क और कानूनगो एंड एएसओ 2023 के लिए आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। ये जो करंट अफेयर, इसमें 100 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा और ये आप लोगों को एडुटेरिया का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फटाफट 100 आप लोगों को क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आप लोग को अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है, 2 से 3 क्वेश्चन अधिकतर हर एक आप लोग को, जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है। और बिहार एलआरसी कलर के लिए, जितना भी एलआरसी कलर के स्टूडेंट, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोग से 20 से 25 क्वेश्चन जो है ना, अभी तक हम देख रहे हैं हर एक शिफ्ट में आप लोग करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग को अभी क्या कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके साथ साथ और जो भी टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन आ रहा है ना एलआरसी कलर में, मैं आप लोग को धीरे धीरे सब आप लोग कराते जाऊंगा। तो आज से कल तक आप लोग पूरा अपलोड हो जाएगा, जितना भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं जिस टॉपिक से आ रहा है। तो ये जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टोटल टॉपिक कवर किया गया, 100 क्वेश्चन है और ये आप लोग एडुटेरिया का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन होता है। तो इससे क्वेश्चन हम देख रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा देख रहे हैं, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का, देखते हैं कितना 100 क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग पेशेंस होकर पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है, ये एडुटेरिया के द्वारा बनाया गया है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोगों का, क्या अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? याद रखें कौन बना है, केरल बना है। अगला देखिए क्या, भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना, बताइए। अब कह रहे कि ODF प्लस जिला कौन बना है, तो याद है कौन है, वायनाड, जो केरल में है। अगला देखिए क्या है, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो याद रखिएगा सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। अगला देखिए क्या करें, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो याद रखना जो मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन बना है, केरल बना है। इसी तरह से आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को का स्थानीयकरण, जिसको हम लोकलाइजेशन बोलते हैं, उसको अपनाने वाला भारत का शहर कौन बना है, तो याद रखना कौन सा शहर बना है, तो याद रखना भोपाल बना है। जो हम लोग संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का शहर कौन बना है, तो भोपाल बना है। अगला देखिए क्या है, भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया, बताइए कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिन्होंने सभी जिलों में पुलिस के लिए ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया, तो वो कौन है, केरल है। तो अगला देखिए क्या है, भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है, बताइए जो रीडिंग लाउंज है वाला हवाई अड्डा कौन बना है, याद रखना कौन सा हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वाराणसी में स्थित है वो बना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया, बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने राइट टू वॉक लागू किया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने किया, तो पंजाब ने किया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, क्या भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए कराए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है, बताइए कौन सा राज्य है जिन्होंने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है, कौन है, तो केरल है। तो अधिकतर देखिए जो भी क्वेश्चन है, हमको लग रहा है जितना भी आप लोग को लेटेस्ट जो भी कर रहा है वो आप लोग को अधिकतर केरल ही कर रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक केरल हमेशा क्या है, अव्वल राज्य है और शिक्षा में तो खास करके। अगला क्वेश्चन क्या है, कराए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, बताइए जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो याद रखना कौन, जोगी घोपा जो असम में है वहाँ पे किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया, बताइए जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन है किस शहर में किया गया, तो याद रखना कोलकाता, कहाँ किया गया, कोलकाता में किया गया। इससे अगला देखिए क्या, भारत की पहली क्या अंडर सी ट्विन जो है ना टनल का निर्माण किया जा रहा है, बताइए जो अंडर सी ट्विन टनल है इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखना इसका निर्माण आप लोगों को कहाँ पे, मुंबई में किया, कहाँ मुंबई में किया जा रहा है। अगले चलिए देखते हैं क्या करें कि अगला क्वेश्चन क्या, माउंट अन्नपूर्णा जिसको हम नेपाल के शिखर पर पहुँचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है, बताइए जो माउंट अन्नपूर्णा के शिखर पर पहुँचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है, याद रखना अर्जुन वाजपेयी, कौन बना है आप लोग को, अर्जुन वाजपेयी बना है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या करें कि भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई, बताना है कि अभी जस्ट आप लोगों को जो है ना पहली जल मेट्रो की को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई, तो याद रखना कहाँ, कोची में दिखाई, कहाँ दिखाया, कोची में दिखाया गया। अगला देखिए क्या, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाता है, याद रखना आप लोग कहाँ किया जा रहा है, लखनऊ में। ये जो है ना भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ पे, तो लखनऊ में आप लोग को यह स्थापित किया जा रहा है। अगला चलिए क्या है, करें चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनावों में पहली बार वोट फॉर होम विकल्प
पेश किया है। बताइए, ये पहली बार है आप लोग को विधानसभा चुनाव में जो है ना, पहली बार आप लोग को वोट फॉर होम विकल्प पेश किया। ये कहाँ का? कर्नाटक, जो कर्नाटक का विधानसभा में आप लोग को चुनाव हो रहा था उस टाइम जो है ना, वोट फॉर जो है ना होम के लिए विकल्प चुना किया। तो ये कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का NDNA डेटाबेस बनाया। बताइए, भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिन्होंने अज्ञात निकायों का DNA डेटाबेस बनाया? याद है कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। कौन है आप लोगों को? हिमाचल प्रदेश। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला? बताइए, एप्पल कंपनी के द्वारा भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला गया? याद रखना कहाँ खोला गया? मुंबई में। कहाँ खोला गया? मुंबई में खोला गया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जितना भी एडिटोरिया क्वेश्चन बनाएंगे 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हम देख रहे हैं प्रत्येक आप लोग जितना भी आप लोग का LRC कलर का एग्जाम हो रहा है, प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को ये कम से कम 100 क्वेश्चन जो फटाफट 100 क्वेश्चन है वो बता दूंगा, तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो जाए आने वाले एग्जाम के लिए। जो भी अभी 7 से लेकर के आप लोग को जो 17 तारीख होने वाला सब बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए, आप लोग बताना है कि जो भारत का जो पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ पे? बेंगलोर। कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलोर में बनाया जा रहा है। अगला देखिए क्या है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? बताइए आप लोग, 3D जो प्रिंटेड हिंदू मंदिर है किस राज्य में बनाया जा रहा है? कहाँ पे? तेलंगाना। कहाँ पे? तेलंगाना बनाया जा रहा है। इसी तरह से अगला चलिए क्या है, भारत की पहली न्यू मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? बताइए, न्यू मेट्रो का निर्माण किस शहर में? तो याद रखना, न्यू मेट्रो का जो है निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? देहरादून में किया जा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75x25 पहल किस रोग से संबंधित है? बताइए, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया गया 75x25 करें कि आप लोग किस रोग से संबंधित है? याद रखना, उच्च रक्तचाप और आप लोग को मधुमेह से संबंधित है ये। अलग क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? बताइए, आप लोग बताना है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनी? याद रखना, किसे बनाया? खनित कौर को बनाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनाया? बताइए, कह रहा है कि आप लोग कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य? याद रखिए कौन बनाया? तो उत्तर प्रदेश। कौन बनाया आप लोग? याद रखिए, उत्तर प्रदेश बनाया। चलिए, इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, कि कुल रूप पॉलिसी, कह रहा है कि कुल रूप पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनाया? याद रखें, जो कुल रूप पॉलिसी है ये लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनाया? याद रखना, तेलंगाना। कौन बनाया? याद रखना, तेलंगाना बनाया। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? याद रखना, आप लोग को 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन? हरियाणा बना। कौन बना? याद रखना, हरियाणा बना। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए ChatGPT तकनीक का उपयोग किस हाईकोर्ट ने किया? अब बताना कि एक अभियुक्त की जमानत याचिका को निर्णय लेने के लिए ChatGPT का तकनीक का उपयोग किस हाईकोर्ट ने किया? कौन सा? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या करा, कि गेटवे ऑफ इंडिया से करा एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति यात्रा कृष्ण प्रकाश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया? बताइए, बताना है कि आप लोगों को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना? याद रखना, पटना नगर निगम। कौन बना? याद रखना, पटना नगर निगम। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना? याद रखना, कौन सा मेट्रो बना आप लोग? कोची मेट्रो। कौन बना? कोची मेट्रो बना। नेक्स्ट इससे चलिए क्या, कह रहा है रेशम किट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? याद रखना, रेशम किट योजना जो है ना, बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? उत्तराखंड का। कौन बना? उत्तराखंड बना। नेक्स्ट क्या है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? बताइए, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जो है ना किस शहर में कार्य की जा रही है? स्थापित जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? बताइए, कौन से आप लोगों शहर में जो है ना पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनना है? बताइए आप लोगों को, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ बन रहा है? तो कोलकाता में बन रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? बताइए, अब बताना है कि हम लोगों को NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? याद रखना आप लोगों को, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर। कौन बना है? तो आप लोग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर बना है। अगला चलिए क्या करें, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी? बताना है कि आप लोगों को, तमिलनाडु की जो प्रथम महिला है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, वो आप लोग जो उस राज्य की पहली महिला बनी है कौन? करामुथ मिस सेल्वी। अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईंधन वाला ट्रैक्टर
किसने विकसित किया बताइए, किसके द्वारा आप लोग को 100% डाइमिथाइल ईंधन वाला जो है ना, इथर ईंधन वाला जो इथाइल इथर ईंधन वाला जो है ना आप लोग को ट्रैक्टर किसने विकसित किया, तो याद रखना आप लोग को IIT कानपुर ने जो 100% डाइमिथाइल इथर ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया है। तो किसके द्वारा किया गया, IIT कानपुर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को बताना है, क्या ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बना बताइए। ग्लोबल कंटेनर आप लोगों को पोर्टल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बना, याद ना पीपावाव पोर्ट जो गुजरात में, याद पीपावाव जो पोर्ट है वो आप लोग गुजरात में वो बना है। अगला क्वेश्चन क्या, चलिए क्या कि एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई बताइए। आप लोग को बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना जो है ना कहाँ शुरू की गई, याद थाने में जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया बताना है, कौन सा राष्ट्रपति ने जो भारत के अभी राष्ट्रपति है उन्होंने राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन, ये आप लोग को अभी जस्ट झारखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या करें, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है बताना है कि हम लोग को इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की सुविधा जो है ना सबसे अधिक है, तो पहुंच सबसे अधिक दिया कहाँ पे, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करा कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय का इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है बताइए। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में, याद रखना पूर्वोत्तर कौन सा है, तो मेघालय। कहाँ बनाया जा रहा है, तो मेघालय में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है बताइए। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ना आप लोग को अनुसार जो भारत के किस राज्य की साक्षरता दर, तो याद रखना किसका, तो बिहार का। इसी तरह अगला सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार करें कौन सा देश 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना, तो याद कौन बना, तो भारत बना है। नेक्स्ट क्या कहे कि भारत के सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन बना बताइए। अभी जस्ट आप लोगों को भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम याद है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला बना है। अगला क्वेश्चन क्या है कहे कि भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है बताइए। जो भारत का पहला जो है ना विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, कहाँ पे विकसित किया जा रहा है आप लोग को, उत्तराखंड में। कहाँ पे आप लोग को जो है ना भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा कहाँ पे, उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों, देखिए इसी में आप लोगों को टोटल 50 अभी तो 100 क्वेश्चन कराया जाएगा, इसमें से देखिए 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो है ना GS का जो मैराथन आप लोगों को हुआ था करंट अफेयर का मैराथन, आप लोगों को 500 क्वेश्चन उसका भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो भी बच्चा अभी तक वो नहीं देखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसमें 712 के आसपास क्वेश्चन होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं 5 से 6 घंटा का है, आप लोग अगर देख लीजिएगा बहुत ही बेनिफिशियल मिलेगा आने वाला एग्जाम जो बिहार LRC कलर का है। अगला क्वेश्चन क्या है, IQAir द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन बना बताइए। IQAir के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन बना, तो याद कौन लाहौर, कौन बना याद लाहौर बना। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है बताइए। कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी, याद रखना कौन बन दिया, रियाना बन बरवानी, याद रखना रियाना बर नावी बनी है, तो याद रखना जो अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है, रियाना बर नावी बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या करा कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले का संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, तो बताइए आप लोगों को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने, जाना सुल्तान अल नियादी कौन बने, तो सुल्तान अल नियादी बने। अगला क्वेश्चन क्या करा कि आप लोग को अपने नए बनने वाली इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना, याद कौन सा राज्य बना, न्यूयॉर्क कौन बना, न्यूयॉर्क आप लोग को पहला जो है ना प्रतिबंध लगाने वाला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है, तो बताइए अभी हाल ही में कौन सा देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई, तो कहाँ जापान में, कहाँ दिया है जापान में दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भारत का IIT मद्रास है किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो है ना स्थापित कर को या तंजानिया, कहाँ पे तंजानिया में करने जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने निवेश और रोजगार सीजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है, तो याद रखना किसने किया है आप लोग को, बहरीन ने, किसने किया, तो बहरीन के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी जो MF हाइड्रो किस देश में चलाई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस देश में, तो नॉर्वे, किस देश में चला है, नॉर्वे देश में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑक्सफोर्ड मलेरिया
वैक्सीन R20 के उपयोग को क्या स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बना था? याद रखना कौन सा, तो घाना। कौन देश बना था? याद रखना घाना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी अधिकतर इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को टिक आउट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कहा कि दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? बताइए इसका नाम क्या रखा है, जो दुबई एयरपोर्ट पे जो है दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? सारा। क्या नाम इसका? सारा नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए करें, माउंट एवरेस्ट पे सबसे अधिक बार जो 27 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? बताइए माउंट एवरेस्ट पे सबसे अधिक बार जो 27 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरपा ने। किसने बनाया? तो कामी जो है ना रीता शेरपा ने बनाई है 27 बार आप लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला। अगला क्वेश्चन क्या, क्या अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना था? याद है कौन बना है? तो आयरलैंड। जो अभी है ना अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को जो अनिवार्य करने वाला कौन सा आप लोग को देश बना है? तो विश्व का तो आयरलैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया? बताइए किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को कराकी पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया? दिया कौन सा बना है? तो नेपाल ने किया है घोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया, इसके साथ नाटो में सदस्यों की संख्या कुल कितनी हो गई? बताइए कराए कि नाटो में कुल सदस्य की संख्या क्या 31 हो गई। याद रखना जो फिनलैंड अभी जस्ट आप लोग को नाटो सैन्य संगठन में शामिल हुआ है, तो टोटल नाटो में कुल संख्या कितना 31 है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, दुनिया का सबसे कम जो है ना स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया है? बताइए कहा कि दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया जा रहा है? तिब्बत। किसे किया? तिब्बत को घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन और बचा है, तो आप लोग धैर्यपूर्वक टोटल क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा तो आप लोग बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आप लोग को जो अभी बिहार LRC क्लर्क अमीन जितना भी स्टूडेंट है सबके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया? बताइए अभी दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया? तो याद रखना न्यूयॉर्क। किसे? न्यूयॉर्क को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज जो है ना MF का इम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया? तो याद रखना आप लोगों को, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज जो इम्प्रेस है ये चेन्नई से कहाँ आप लोगों को श्रीलंका कहाँ रवाना किया? श्रीलंका रवाना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने पहले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला? बताइए कौन सा देश ने 7 वर्षों में पहली बार आप लोग को सऊदी अरब में अपना पहला जो है ना अपना सॉरी दूतावास पुनः खोला है? तो 7 वर्ष के बाद फिर से खोला है, तो ईरान। किसने खोला है? तो ईरान ने खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आप लोग तीनों के बीच जो है ना पहला जो है संस्करण कहाँ पर आयोजित किया, ये याद रखिए ओमान की खाड़ी। कहाँ किया? तो ओमान की खाड़ी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग जो है ना GF-22 का उद्घाटन किया? बताइए किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक जो है ना पवन सुरंग GF-22 उद्घाटन किया? किसने किया? चीन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? तो याद रखना कौन सा देश में, तो अमेरिका। यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आप लोग को याद रखना ग्लोबल जो है ना यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार अमेरिका में जो है ना सबसे अधिक यूनिकॉर्न है। अगला क्वेश्चन क्या करें, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन हुआ? बताइए करें, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन हुआ? तो याद रखें भारत। कौन बना? तो याद रखें भारत बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग करें, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? याद रखना आप लोग को 2022-23 के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन? याद रखें अमेरिका। कौन बना? याद रखें अमेरिका बना है। क्या क्या, विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए क्या, विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे, यहाँ कहाँ पे? तो भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा क्या, एशिया के सबसे बड़े जो है ना 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया? बताइए एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर जो है ना इंटरनेशनल का लिक्विड आप लोग टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ याद रखें? कहाँ पर? उत्तराखंड। कहाँ किया? तो याद रखना उत्तराखंड में किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी अगर आप लोग को कलर में चिन्हित है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा क्या, भारत की पहली मोबाइल BSL 3 प्रयोगशाला का क्या नाम? बताइए तो यार क्या नाम है? रामबाण। क्या नाम है इसका? रामबाण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस देश शहर में शुरुआत किया है? बताइए कौन सा शहर में आप लोग को शुरुआत किया गया? तो याद रखना आप लोग को जो है ना भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक जो है ना कौन सा शहर? न्यू दिल्ली में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया? न्यू दिल्ली में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, किस देश में भारत का सबसे बड़ा स्टेंट
सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। बताइए भारत का कौन सा शहर जहां सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया, कहां पे? तो हैदराबाद। कहां किया गया? तो आप लोगों को हैदराबाद में किया गया। इसी तरह से जितना भी देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, आप लोगों को 25 से आधा घंटा में आप लोग 100 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा ना, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जो भी बच्चा एग्जाम दिया वो उन्हीं के सजेशन पे मैं आप लोगों को आज वीडियो बना रहा हूँ। वो लोग बोले सर आप लोग बहुत ही जो फटाफट 100 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की? बताइए कौन से देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित किया? किसने किया? फिनलैंड के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसरो ने स्नातक और स्नातक उत्तोक जो है ना छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरू किया है? याद रखें स्टार्ट आउट कार्यक्रम कौन सा, तो याद रखें इसरो ने जो स्नातक और उसका पीजी छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, तो याद रखें स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी की समुद्री परीक्षण किया? बताइए कौन सा दिया ना, बागशीर। किसका किया? तो बागशीर का किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप लोग केनिया का अपना पहला पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह का नाम क्या? बताइए केनिया का जो है ना अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? या ताइफा वन, या कौन है? ताइफा वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया के सबसे बड़ी एवं शक्तिशाली रॉकेट का स्टारशिप किसने लॉन्च किया? बताइए आप लोग को बताना है कि दुनिया के सबसे बड़ी और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया? दिया है स्पेस एक्स कंपनी। किसके द्वारा? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन क्या करा, किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का आप लोगों को निर्माण किया और जिसमें जीनिया फूल के पौधे की खेती की गई है? याद कौन सा, तो नासा। किस अंतरिक्ष यात्री किया? तो नासा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बीपर जो है तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? बताइए जो बीपर जो है तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया था? याद कौन सा, तो गुजरात। कहाँ के? तो गुजरात राज्य के, याद रखना, तट के से ना सबसे पहले टकराया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, अब मात्र 20 क्वेश्चन बचा, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्यपूर्वक टोटल क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आप ही लोग के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देखते हो हमेशा वीडियो अपलोड करते हैं रेगुलरली, हम चाहते हैं कि आप लोग जितना से ज़्यादा आप लोग को प्रोवाइड करते रहे कंटेंट, वो बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जितना कंटेंट आप लोग के पास है उतना बेनिफिशियल होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ते रहिए। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग जो है ना ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित किया? याद रखना कौन सा देश, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन सा बना? बताइए गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बने? तो याद है अभिलाष टॉमी। कौन बना था? याद है अभिलाष टॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के पूर्ण सदस्य जो T20 की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? याद है किम कॉटन। याद किम कौन बनी? किम कॉटन बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? याद रखना आप लोगों को विराट कोहली। कौन बना? आप लोगों को विराट कोहली बना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला जो गेंदबाज कौन बना? याद रखना कौन सा, यूजी चहल। कौन बना? युजवेंद्र चहल बना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, IPL के इतिहास में सबसे कम गेंदों पे जो 13 गेंद में 8 शतक लगाने वाले रिकॉर्ड किसके पास है? तो याद यशस्वी जायसवाल। किसके पास? यशस्वी जायसवाल के पास। अगला क्वेश्चन क्या, आप लोगों का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी बने? याद है बाबर आजम, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी अभी भी कप्तान है। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी ICC किताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी? बताइए सभी ICC किताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन बनी है? याद रखना ऑस्ट्रेलिया बनी। अगला क्वेश्चन क्या है, जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व की नंबर वन खिलाड़ी कौन बना? याद रखना अभी हाल ही में जो है ना जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर वन खिलाड़ी कौन अभी जो भारत के नीरज चोपड़ा है वो बने। अगला क्वेश्चन क्या करें, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना? याद ना एडिडास को। किसे चुना है? तो एडिडास को चुना है किट स्पॉन्सर। चलिए अब हम लोग बहुत 10 क्वेश्चन बचा हुआ, तो आप लोग जितना भी बच्चे अभी इतना तक पेशेंस करके आ गए, तो इसका मतलब आप लोग के पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है, और मुझे पता है कि आप ही लोग का एग्जाम निकलने वाला है, तो कम से ज़्यादा बच्चे पेशेंस होकर पूरा क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये करंट अफेयर है, और करंट अफेयर से बिहार LRC कलर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या भारत का पहला सौर शहर कहाँ बना? बताइए भारत का पहला सौर शहर कहाँ बना? या सांची। कहाँ बना? सांची बना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, किस राज्य में पहली मैग्रो पट्टी पक्षी जनगणना की गई है? बताइए कौन सा, उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? याद रखना जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो याद रखना केरल बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला जन सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक
नाव किस राज्य में शुरू किया, याद रखना भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो है ना कहाँ पे शुरू किया, अधिकतर देखिए क्वेश्चन जो है ना केरल में, जितना भी आप लोग को जो विकसित चीज़ है अधिकतर चीज़ देखिए आप लोग केरल में आप लोग को शुरू होता है। अगला क्वेश्चन क्या, विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जाए, याद रखना विश्व का जो है ना अपना पहला जो है ना जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर, तो याद उत्तर प्रदेश, कहाँ पर आप लोग को विकसित किया, उत्तर प्रदेश में विकसित किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव कहाँ विकसित किया जा रहा है, याद रखना आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जा रहा है, भिंडवी जो महाराष्ट्र में स्थित है, याद है भिंडवी गांव जो महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, क्या एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के बीच बनाया, याद रखना एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है, याद रखना कौन ब्रह्मपुत्र, कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए या बताना कि आप लोग जैव विविधता विरासत पार्क जो है ना सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में स्थित है, याद रखना आप लोगों को पश्चिम बंगाल, कहाँ पर स्थित है, याद रखना पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की सबसे अधिक संख्या, बताना है तो याद रखना आप लोगों को तालाब और जलाशय की सबसे अधिक संख्या कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और आप लोगों को फटाफट का 100 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जो भी बच्चे इतना तक पेशेंस कर ले, कहने उसके पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है और कहने उसको एग्जाम क्रैक करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मुझे पता है वही सब बच्चे आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं जिनके पास पेशेंस है। गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है पेशेंस, अगर गवर्नमेंट जॉब निकालना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और धैर्यपूर्वक आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा। कहा कि अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है, बताइए आप लोगों को जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में जो है ना झीलों की संख्या सबसे अधिक है, तो याद रखना आप लोगों को तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या, याद रखना कहाँ पे, तो झीलों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। तो टोटल 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, चलिए ये देख लीजिए फिर से एक बार मैं आप लोगों को टोटल 100 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को टोटल 100 क्वेश्चन है, ये जिन बच्चे को ये इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का नाम है XMS, आप लोग XMS स्टडी सर्च कीजिएगा तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। तो और आप लोग को जो है ना जो हम अभी 812 क्वेश्चन कराए गए हैं तो उसका आप लोग को कमेंट में पिन कर देंगे आप लोग को वीडियो का लिंक, आप वो भी देख लीजिएगा, ये अगर वो देख लेते हैं तो आपको बहुत ही जो है ना सुविधा मिलेगी आने वाले एग्जाम के लिए और बहुत ही बेनिफिट मिलेगी क्योंकि जितना भी क्वेश्चन टोटल कवर कर दिया गया। चलिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को पता है बिहार LRC अमीन और कानूनगो के लिए जो है ना पूरा प्रैक्टिस से चल रहा है और आप लोगों को अभी फ्री टेस्ट भी चल रहा है तो उसका लिंक आप लोग को टेलीग्राम चैनल फ्री टेस्ट देते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप में भी फ्री टेस्ट का पूरा हम लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोग फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग को डेली शाम को ना पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाता है यूट्यूब पर लाइव। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।